हाँ तो दोस्तों, अगर आप लोग भी सिर्फ फोटो एडिटिंग करना सीखना चाहते हो फ्रेंड्स, बिल्कुल इस तरह से अगर आप लोग भी सीखना चाहते हो फोटो एडिटिंग, तो इस वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा दोस्तों, कि देख सकते हो तो कितना हार्ड फोटो लग रहा है दोस्तों। हाँ तो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में आप लोगों को सीवी फोटो एडिटिंग करना सिखाऊंगा दोस्तों, एंड फेस स्मूथ करना भी मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। देख सकते हो फ्रेंड, मेरा फेस कितना बवाल अंडरस्टोन टाइप का लग रहा है फ्रेंड्स, एंड बैकग्राउंड वगैरह आप लोग देख सकते हो। बिल्कुल इस तरह से फ्रेंड्स आप लोग को फोटो एडिटिंग करना सीखना दोस्तों, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक वॉच करना। एंड दोस्तों, जो जो मैं बताऊंगा फ्रेंड्स वही आप लोग कीजिएगा, तो बिल्कुल सेम इसी तरह से आप लोग को फोटो एडिटिंग करना सीख जाओ दोस्तों। एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। एंड दोस्तों, कितना हार्ड लग रहा फोटो वो आप लोग के सामने दिख रहा है गाइज। एंड दोस्तों, मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर देना फ्रेंड्स, एंड जो मैं इसमें PNG या फ्रेंड्स प्रीसेट में यूज कर रहा हूँ वो आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड दोस्तों, आप इसी की तरह फ्रेंड वीडियो करते हैं स्टार्ट। एंड यहाँ पे मैं आप लोग को नॉर्मल फोटो दिखाता हूँ, देख सकते हो ये मेरा नॉर्मल फोटो गाइज। देख सकते हो कितना भद्दा टाइप का लग रहा है फ्रेंड्स, बिल्कुल खराब टाइप का लग रहा है। एंड बिल्कुल इस तरह से फ्रेंड्स आप लोग को फोटो एडिटिंग करना सिखाऊंगा इस फोटो को। देख सकते हो नॉर्मल फोटो कैसा है फ्रेंड्स, एंड एडिटिंग वाला सीवी फोटो एडिटिंग वाला फोटो देख सकते हो। तो फर्स्ट ऑल आप लोग क्या करना दोस्तों, इस फोटो को आप लोग क्या कीजिएगा, लेटर एप्लीकेशन के अंदर फोटो को शेयर कीजिएगा। यहाँ पे मैं लेटर एप्लीकेशन को मैं ऐड कर देता हूँ। एंड दोस्तों, यहाँ पे जो जो मैं स्टेप यूज करूँगा सिर्फ वही स्टेप आप लोग यूज कीजिएगा, तो बन के लिए फ्रेंड्स आप लोग को भी कुछ इस तरह का फोटो एडिटिंग हो जाएगा। तो देख सकते हो मेरा लेटर में फोटो आ गया गाइस। तो यहाँ पे मैं एक प्रीसेट यूज़ करने वाला हूँ, फिर उस प्रीसेट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, एंड कैसे इस प्रीसेट को डाउनलोड करना वो भी आप लोगों को मैं बता दूंगा। तो यहाँ पे क्या करना दोस्तों, यहाँ पे आप लोग ऊपर 3 एरो दिख रहा होगा दोस्तों, 3 एरो पर आइएगा दोस्तों। एंड यहाँ पे आप लोग क्या कीजिएगा फ्रेंड्स, कॉपी सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, कॉपी सेटिंग पर क्लिक करके यहाँ पे आप लोग डन कीजिएगा। एंड डन करने के बाद दोस्तों आप लोग क्या कीजिएगा, इस फोटो पर आइएगा। एंड इस फोटो पर आने के बाद दोस्तों आप लोग 3 डॉट पर आइएगा, एंड 3 डॉट पर आकर दोस्तों यहाँ पे आप लोग को पे सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा। इस पे सेटिंग पे जैसे ही क्लिक करोगे दोस्तों, तो आप लोग को पे सेट जैसा फोटो एडिटिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 से 2 सेकंड वेट करना है, यहाँ पे देख सकते हो बिल्कुल इस तरह से फ्रेंड्स हमारा ये वाला फोटो एडिट हो गया। तो यहाँ पे आप लोग क्या कीजिएगा फ्रेंड्स, आप लोग को मैं ग्रीन टोन में दिखाया था, एंड यहाँ पे ऑरेंज हो गया। तो आप लोग क्या कीजिएगा, नीचे एडिट वाला ऑप्शन पर आइएगा, एंड कलर वाला ऑप्शन पर आके यहाँ पे मिक्स वाले कलर पर आइएगा। एंड जो येलो वाला जो है दोस्तों, इसका ह्यू जो है इसका पूरा बढ़ा देना, आप लोग को ह्यू पूरा 100% कर देना। एंड ग्रीन वाला का सेम प्रोसेस फ्रेंड्स, यहाँ पे भी आप लोग इसे बीच में भी रख सकते हो, एंड इसको 100% भी कर सकते हो। तो मैं बीच में रखूँगा फ्रेंड्स, 9+ में कर दिया हूँ। उसके बाद क्या करना दोस्तों, आप लोग को लाइटरूम का काम हो गया दोस्तों, बस इतना ही आप लोग को लाइटरूम में करना है। उसके बाद नेक्स्ट लेवल पर करना है दोस्तों, नेक्स्ट स्टेप में। तो यहाँ पर आप लोग क्या कीजिएगा, इस फोटो को शेयर वाला एक्शन पर आके फ्रेंड्स यहाँ पर इस फोटो को सेव कीजिएगा। तो यहाँ पर 1 से 2 सेकंड लगेगा फ्रेंड्स यहाँ पर, उसके बाद फोटो आप लोग का सेव हो जाएगा। एंड फोटो सेव होने के बाद आप लोग कहाँ ले जाएगा फ्रेंड्स, फोटो रूम एप्लीकेशन के अंदर। तो दोस्तों, जब तक ये फोटो सेव होता है, जब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड मुझे इंस्टा फॉलो कर दीजिए, वो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा इंस्टा वाला। तो जब तक फ्रेंड्स यहाँ पर कमेंट कर दीजिएगा प्लीज़। एंड दोस्तों, यहाँ पर फोटो सेव हो गया, इस फोटो को शेयर करके आप लोग जानते हो कहाँ ले जाओगे, फोटो रूम एप्लीकेशन के अंदर। फोटो रूम एप्लीकेशन के अंदर जैसे ही आप लोग फोटो शेयर कीजिएगा, तो वहाँ पर फ्रेंड्स फोटो कट के आ जाएगा। तो मैं फोटो रूम में इसे मैं शेयर कर देता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग को नेट ऑन रखना चाहिए फ्रेंड्स, तो ये आप लोग को फोटो रूम में काम करेगा। तो यहाँ फ्रेंड्स मैं कंटिन्यू कर देता हूँ, यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड्स, और जैसे मैं इस पे डाला तो इस तरह से वेरीफाई कर लिया। एंड दोस्तों, यहाँ पे मैं कंटिन्यू कर देता हूँ। एंड दोस्तों, यहाँ पर आप लोग को जैसे फोटो कटेगा, यहाँ पर बहुत सारा आप लोग को ऑप्शन देखने को मिलेगा, बहुत सारा। तो दोस्तों, यहाँ पर हल्का सा नेट स्लो चल रहा है मेरा, तो यहाँ पर धीरे धीरे फ्रेंड्स ये वाला सारा ओपन होता जाएगा। देख सकते हो धीरे धीरे फ्रेंड्स हमारा ओपन हो रहा है, बहुत सारा यहाँ पे आप लोग को फ्रेंड्स देखने को मिल जाएगा इंटरफेस। तो यहाँ पे आप लोग क्या कीजिएगा, तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो आप लोग को यहाँ पे ब्लर का ऑप्शन दिख रहा होगा, ब्लर का ये देख सकते हो, इस वाले ब्लर वाले आइकन पे क्लिक कर देना आप लोग को फोटो पे। तो जैसे ही क्लिक करोगे फ्रेंड्स, तो आप लोग कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। एंड उसके बाद क्या करना दोस्तों, आप लोग को यहाँ पर आप लोग को लेयर का ऑप्शन मिल रहा होगा दोस्तों, लेयर, इस लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। एंड क्लिक करने के बाद दोस्तों नीचे बैकग्राउंड का ऑप्शन दिख रहा होगा, बैकग्राउंड वाले पर क्लिक कीजिएगा। जैसे बैकग्राउंड पर क्लिक कीजिएगा दोस्तों, तो नीचे आइएगा, तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग को ब्लर का इफेक्ट दिख रहा होगा, फिल्टर दिख रहा होगा, इफेक्ट दिख रहा होगा। तो आप लोग क्या कीजिएगा, इस ब्लर वाले आइकन पर क्लिक कीजिएगा। एंड क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 स्टेप फ्रेंड्स, मतलब 7 प्रकार का फ्रेंड्स आप लोग ब्लर कर सकते हो। तो आप लोग क्या कीजिएगा, दूसरा नंबर जो गैसियन वाला ब्लर है दोस्तों, वो आप लोग सेलेक्ट कीजिएगा। तो इस पर मैं सिलेक्ट कर दूंगा। एंड यहाँ पर नीचे फ्रेंड देख सकते हो, 19% फ्रेंड्स यहाँ पर ब्लर है, 19%। जितना आप लोग रखना चाहते हो उतना आप लोग इसे बढ़ा के रख सकते हो। तो मैं यहाँ पे क्या रखूँगा फ्रेंड्स, मैं ज़्यादा नहीं रखूँगा, आप अपने फोटो के हिसाब से आप लोग अपना रख लीजिएगा। तो यहाँ पे दोस्तों मैं रख लूँगा 14 में रख लूँगा दोस्तों। एंड यहाँ पे दोस्तों आप लोग को डन का ऑप्शन मिलेगा, इस ऑप्शन पर आकर डन कर दीजिएगा।
डन करने के बाद दोस्तों ऊपर शेयर वाला आइकन पर आइएगा, देख सकते हो शेयर वाला आइकन पे, ऊपर शेयर वाला आइकन है फ्रेंड्स, इस पे आप लोग आइएगा एंड आके दोस्तों यहाँ पे आप लोग फोटो को सेव कर लीजिएगा। एंड जैसे ही फोटो सेव होगा दोस्तों देख सकते हो, उसके बाद आप लोग क्या कीजिएगा, इस फोटो को शेयर करके, इस फोटो को शेयर करके दोस्तों आप लोग क्या कीजिएगा, फिर से आप लोग को लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर शेयर करना है फिर से। हाँ दोस्तों, फिर से आप लोग को लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर फोटो, इस फोटो को शेयर कर लेना है। तो यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पर शेयर किया, यहाँ पे मैं आ गया दोस्तों एंड यहाँ पे देख सकते हो हमारा फोटो आने वाला, ये देखो ब्लर वाला फोटो आ गया एंड ब्लर वाला फोटो आ गया दोस्तों। तो यहाँ पे क्या कीजिएगा, अगर आप लोग बैकग्राउंड को डार्क करना चाहते हो दोस्तों, बैकग्राउंड को और डार्क ग्रीन में करना चाहते हो या येलो में करना चाहते हो, जैसा करना चाहते हो आप कलर वाला ऑप्शन पाइएगा एंड मिक्स वाला कलर पर आके ग्रीन को इसका सेचुरेशन आप लोग इंक्रीज कर लीजिएगा। अगर आप लोग को और डार्क ज़्यादा डार्क रखना है, कम डार्क रखना है तो हल्का सा आप लोग इंक्रीज कीजिएगा एंड इसका ह्यू मैं हल्का सा कम रखूँगा, 17 माइनस में ह्यू रखा दोस्तों, देख सकते हो सेचुरेशन में 37 एंड येलो वाले कलर पे आके इसका सेचुरेशन मैं इतना कर दूंगा दोस्तों, इतना मैं 18 बर्न मैं कर दूंगा। उसके बाद क्या करूंगा दोस्तों, यहाँ पे डन करके यहाँ पे टेम्परेचर को मैं मिलाऊंगा दोस्तों, इसका टेम्परेचर मैं हल्का 2+ रखूंगा एंड इसका टिंट मैं फ्रेंड्स 9 माइनस सॉरी, उसको वाइब्रेंस को भी मैं इंक्रीज रखूंगा 33+ एंड सेचुरेशन को भी, सेचुरेशन को ज़्यादा नहीं फ्रेंड्स यहाँ पे मैं 4+ रखूंगा। उसके बाद मैं फ्रेंड्स आऊँगा इफेक्ट्स में, इफेक्ट्स में आने के बाद इसका टेक्सचर को मैं इंक्रीज रखूँगा, टेक्सचर को इंक्रीज रखने के बाद इसका क्लैरिटी को भी इंक्रीज रखूँगा, देख सकते हो 21 एंड वेरिएंट को हल्का कम रखूँगा दोस्तों इतना। एंड दोस्तों आप देखो फोटो बवाल कितना लग रहा है, देख सकते हो फोटो कितना बवाल लग रहा है, अब देखो बिफोर, देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर कितना बवाल लग रहा है दोस्तों, बिल्कुल सिर्फ एडिटिंग जैसा। उसके बाद इस फोटो को आप लोग शेयर करके लेके चलिएगा दोस्तों ऑलरेडी एप्लीकेशन के अंदर स्केचबुक में, तो मैं इस फोटो को सेव कर लिया। अब मैं आता हूँ ऑलरेडी एप्लीकेशन के अंदर फोटो स्मूथ कैसे करेंगे एंड दोस्तों जो मैं प्रीसेट आप लोगों को मैं दिखाया दोस्तों, उस प्रीसेट को कैसे डाउनलोड करना नहीं करना है वो सब मैं डिटेल में बताऊँगा, बस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा एंड वीडियो को देखने के बाद दोस्तों आप लोग क्या कीजिएगा, यहाँ पर मैं आ जाता हूँ फ्रेंड्स ऑलरेडी एप्लीकेशन के अंदर, यहाँ पर ऑलरेडी एप्लीकेशन के अंदर मैं आ गया दोस्तों एंड यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पे मैं रेमनी वगैरह चला दिया हूँ दोस्तों क्योंकि यहाँ पे वीडियो और ज़्यादा लंबा हो सकता है दोस्तों, इसलिए मैं रेमनी में नहीं दिखाया, आप लोग रेमनी जरूर यूज कीजिएगा एंड यहाँ पे देख सकते हो हमारा फोटो बिल्कुल HDR हाई क्वालिटी में आ गया रेमनी चलाया हूँ तो यहाँ पे आप लोग को स्मूथ करने का बहुत ही आसान तरीका बताऊँगा दोस्तों जो कि आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग क्या कीजिएगा, पल्स वाला आइकन पे आके यहाँ पे ई वाला ग्लेज का ए वाला ब्रश आप लोग देख सकते हो, ग्लेज का ए वाला ब्रश आप लोग को सिलेक्ट करना आर्टिस्ट, और उसके बाद क्या करना है दोस्तों, एक सेटिंग वाले ऑप्शन पर आइएगा ऊपर सेटिंग वाले ऑप्शन पे एंड यहाँ पे आप लोग क्या गलती करते हो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो मेरे में स्मज है आप लोग में दोस्तों, यहाँ पे क्या रहेगा बता दो, यहाँ पे आप लोग का स्टैंडर्ड हो सकता है, तो जैसे स्टैंडर्ड होगा तो इस पर क्लिक करके आप लोग आसानी से स्मज वाले पर क्लिक कीजिएगा एंड क्लिक करने के बाद दोस्तों आप लोग आइएगा ब्रश टाइप पर एंड ब्रश टाइप पर आप लोग को सेटिंग कर लेना है, फ्लो देख सकते हो 2 है एंड स्ट्रेंथ 3 है, ये वाला आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट मार लो, ये वाला बहुत ही आप लोग को बेस्ट ब्रश है दोस्तों आप लोग के लिए, इतना अच्छा फेस स्मूथ होता है दोस्तों, मैं सारा फोटो मतलब आधा ज़्यादा फोटो मतलब मैं इसी से फेस स्मूथ करता हूँ दोस्तों, तो देख सकते हो फ्लो 2 एंड स्ट्रेंथ 3 इतना आप लोग को रख के दोस्तों आप लोग ऊपर से शुरू करना दोस्तों, इस तरह से आप लोग को शुरू करना, कितने लोग फ्रेंड्स नीचे से गाल की तरफ से शुरू करते हैं, ऊपर शुरू करोगे फ्रेंड्स आप लोग को फोटो बहुत ही बेस्ट दिखेगा। तो देख सकते हो दोस्तों मैं फोटो फेस स्मूथ कर रहा हूँ दोस्तों, कितना बवाल तरीके से हमारा फेस स्मूथ हो रहा है एंड दोस्तों अभी तक आप लोग को बैकग्राउंड जो मैं लगाया था दोस्तों मतलब PNG वगैरह आप लोग देखे हुए फ्रेंड्स, इधर ट्री का लीफ वगैरह होगा तो उस सब भी लगाना मैं बताऊंगा, बस वीडियो को आप लोग लास्ट तक वॉच करना है, जो जो मैं बताऊँगा बस वही करना दोस्तों। तो आप लोग जैसे आप लोग को फोटो दिखाया था ना दोस्तों बिल्कुल वैसा फोटो एडिटिंग करना सिखाऊंगा, ऐसा नहीं है कि दोस्तों मैं फोटो दिखाऊंगा कुछ और एडिटिंग करके दिखाऊंगा कुछ और, बिल्कुल उस तरह से आप लोग को फेस स्मूथ करना है एंड फोटो एडिटिंग करना है एंड जो भी मैं आप लोग को बताऊंगा बिल्कुल इजीली तरीके से बताऊंगा दोस्तों, आप लोग भी फ्रेंड्स जो नया एडिटर भी रहेगा ना वो बिल्कुल इस तरह से अपना फोटो एडिटिंग कर लेगा। तो मैं लगभग फ्रेंड्स यहाँ पे मैं थोड़ा सा फेस स्मूथ कर लेता हूँ, उसके बाद तुरंत मैं आप लोग को बताता हूँ उस PNG वगैरह लगाना कैसे लगाओगे एंड कहाँ से आप लोग को मिलेगा, नहीं तो फ्रेंड्स यहाँ पे वीडियो बहुत लंबा हो जाता है दोस्तों तो फ्रेंड्स देखने का मज़ा भी नहीं आता होगा आप लोग को, तो यहाँ पे हल्का सा मैं फास्ट कर देता हूँ एंड जो भी आप लोग को जहाँ जहाँ आप लोग को लगता है कि फेस स्मूथ होना चाहिए वहाँ आप लोग कर लीजिएगा एंड दोस्तों देखो इस तरह से मैं अपना लगभग इतना फोटो स्मूथ कर लिया दोस्तों, जैसे तो कितना बवाल लग रहा है दोस्तों, मैं इतना फास्ट किया तो भी इतना बवाल लग रहा है हमारा फेस,
तो इस तरह से आप लोग दोस्तों अपना फेस स्मूथ कीजिएगा। तो यहाँ पर क्या कीजिएगा, इस फोटो को ना दोस्तों आप लोग सेव कर लीजिएगा। तो मैं सेव कर लेता हूँ, एंड सेव करने के बाद दोस्तों आप लोग इस फोटो को लेके चलिएगा पिक्सेल एप्लीकेशन के अंदर दोस्तों, पिक्सेल एप्लीकेशन के अंदर। तो यहाँ पे फोटो जब तक सेव हो रहा है दोस्तों, अभी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो यहाँ पे मैं दोस्तों यहाँ पे मैं पिक्सेल एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ। जैसे मैं पिक्सेल एप्लीकेशन के बाद ओपन करता हूँ दोस्तों, तो यहाँ पे प्लस वाला नीचे आइकन आएगा, एंड यहाँ पे दोस्तों एडिट फोटो पे आएगा, एडिट वाले फोटो पे आएगा दोस्तों। एडिट वाले फोटो पे आकर दोस्तों जो अभी सेव किए फोटो स्केच से, उस फोटो को आप लोग लीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैं क्या करूँगा, फ़ोटो को ले लेता हूँ। जैसे फ्रेंड्स इस फोटो को मैं लिया, तो यहाँ पे देख सकते हो फेस स्मूथ मेरा किया हुआ है। तो यहाँ पे क्या करूँगा दोस्तों, मैं स्टिकर पे आऊँगा, एंड स्टिकर पे आकर दोस्तों मैं यहाँ पे क्या करूँगा, लीफ सर्च मारूँगा। लीफ जैसे सर्च मारूँगा दोस्तों, तो सबसे लास्ट में बोला शायद होगा फ्रेंड्स, मेरे में लास्ट में आया था, लास्ट में मैं नीचे बहुत नीचे आया था, तो मुझे मिला था वो वाला। तो यहाँ पे मैं नीचे आ जाता हूँ दोस्तों, तो ये वाला आप लोग को जो दिख रहा है दोस्तों बैकग्राउंड PNG, इस वाले पे आप लोग क्लिक कीजिएगा, एंड इसे थोड़ा इतना रख के मैं यहाँ पे लगा देता हूँ इस तरह से दोस्तों, उस फोटो में लगाया था। उसके बाद दोस्तों फिर से आप लोग को स्टिकर पर जाना है, एंड स्टिकर पर जाने के बाद दोस्तों एक आप लोग को लीफ भी मिलेगा, एक छोटा सा लीफ मैं आप लोग को दिखाता हूँ, इसके थोड़ा ऊपर ही था शायद गाइज, वो मैं आप लोग को भी दिखा देता हूँ। एंड जो मैं यूज़ करूँगा फ्रेंड्स, वो भी आप लोग को बताऊँगा, नहीं कि फ्रेंड्स मैं कुछ एक्स्ट्रा बताऊँगा। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग ये वाला देख सकते हो लीफ, इस वाले लीफ को आप लोग ले लीजिएगा। यहाँ मैं सिलेक्ट जैसे किया, इसे छोटा करके दोस्तों मैं इसे एक यहाँ पे लगाऊंगा, इसे थोड़ा और छोटा कर देता हूँ, मैं इसे छोटा और करके यहाँ पे इसका डुप्लीकेट लेके एक और यहाँ पे लगाऊंगा, फिर इसका डुप्लीकेट लेके दोस्तों मैं इसे ऊपर इधर के साइड लगाऊंगा, इधर के साइड, जिससे फ्रेंड्स फोटो और अट्रैक्टिव लगता है। इसे भी इसका भी डुप्लीकेट मैं करूँगा दोस्तों, तो तीन बार से ज़्यादा डुप्लीकेट नहीं होता है। तो फिर से मैं स्टिकर पे जाऊंगा, एंड इसे रिसेंट में आके इसे मैं ले लूँगा, इसे मैं सिलेक्ट कर लूँगा। तो इस तरह से मैं इसे सिलेक्ट कर लिया, एंड यहाँ पे लगाया, फिर इसका भी डुप्लीकेट किया, एंड यहाँ पे लगाया, इस तरह से मैं इसका भी लगा दूँगा। उसके बाद मैं यहाँ पर डन करके दोस्तों स्टिकर पर आऊँगा, एंड स्टिकर पर आने के बाद यहाँ पर ग्रास सिलेक्ट करूँगा, एंड ग्रास सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो ट्रेंडिंग में ग्रास चल रहा है दोस्तों, ये वाला देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स, इसको मैं सिलेक्ट करूँगा, एंड इसका फ्रेंड्स ब्रेथ में थोड़ा बढ़ा दूंगा इस तरह से, एंड इसे मैं बड़ा करूंगा, एंड बड़ा करके नीचे के साइड में इसे लगा दूंगा, उसके बाद मैं डन कर दूंगा। आप देखो दोस्तों फोटो गाइस कितना बवाल लग रहा है, जैसा आप लोगों को फोटो दिखाया था गाइस, बिल्कुल सेम तरीके से आप लोगों को फोटो एडिटिंग करके सिखाया, वो आप लोगों को पता ही चल रहा होगा फ्रेंड्स कि मैं कितना रियल बताया हूँ, नहीं बताया हूँ आप लोगों को दिख रहा है। एंड अब बात आता है फ्रेंड्स उस प्रीसेट को डाउनलोड कैसे करोगे, उस प्रीसेट को डाउनलोड करने के लिए गाइज आप लोग को क्या कीजिएगा, यहाँ पे दोस्तों जो जब लाइटरूम में जाइएगा, मतलब डिस्क्रिप्शन में जाएगा फ्रेंड्स, तो वहाँ पर रहेगा लाइटरूम प्रीसेट्स, उस लिंक पे क्लिक कीजिएगा। इस लिंक पे क्लिक करने के बाद दोस्तों वहाँ पे रिक्वेस्ट भेजने का आप लोग को ऑप्शन मिलेगा, रिक्वेस्ट उस पर क्लिक कीजिएगा, एंड यहाँ पर मैं ऑटोमेटिक कर दिया हूँ, यहाँ से मुझे एक्सेप्ट हो जाएगा। उसके बाद कैसे डाउनलोड करोगे, वहाँ पर बैक आओगे, एंड बैक आकर फिर से उस लिंक पर क्लिक करोगे दोस्तों, तो वहाँ पर आप लोग का वाला प्रीसेट डाउनलोड हो जाएगा दोस्तों, वहाँ पे प्रीसेट आप लोगों का डाउनलोड हो जाएगा। तो दोस्तों देख सकते हो फोटो कितना बवाल लग रहा है, बिल्कुल सेम फोटो एडिटिंग जैसा, जैसे आप लोगों को फोटो दिखाया था गाइज, बिल्कुल सेम फोटो प्रोसेस करके मैं सिखा दिया हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइज, वीडियो बहुत लंबा हो गया, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।